दोस्तों, आज मैं फिर एक बार महाभारत के कहानी से एक नई रोमांचक और ज्ञान से भरी कहानी के साथ हाजिर हूँ, जो कि विष्णु के वाहन भगवान गरुड़ के वीरता और साहस की कथा है। आपसे अनुरोध है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल की घंटी को दबाना भी ना भूलें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। गरुड़ के जन्म की कथा पिछले वीडियो में मैंने सुनाई थी, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पहले उसे भी जरूर देखें। आइए आज की कथा शुरू करते हैं। एक दिन कद्रू ने विंता से कहा, भद्रे शीघ्र बताओ तो यह उच्चैश्रवा घोड़ा किस रंग का है। विंता बोली, शुभे यह अश्वराज श्वेत वर्ण का ही है, तुम इसे कैसा समझती हो? तुम भी इसका रंग बताओ, तब हम दोनों इसके लिए बाजी लगाएंगी। कद्रू ने कहा, बहन इस घोड़े का रंग तो अवश्य सफेद है, किंतु इसकी पूंछ को मैं काले रंग की ही मानती हूँ। आओ दासी होने की शर्त रखकर मेरे साथ बाजी लगाओ, यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं दासी बनकर रहूंगी, अन्यथा तुम्हें मेरी दासी बनना होगा। कद्रू कुटिलता एवं छल से काम लेना चाहती थी। उसने अपने सहस्र पुत्रों को आज्ञा दी कि तुम काले रंग के बाल बनकर शीघ्र उस घोड़े की पूंछ में लग जाओ, जिससे मुझे दासी न होना पड़े। उस समय जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा न मानी उन्हें उसने शाप दिया कि जाओ पांडववंशी जन्मेजय के सर्प यज्ञ का आरंभ होने पर उसमें प्रज्वलित अग्नि तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी। माता कद्रू ने जब नागों को शाप दे दिया, तब उस शाप से उद्विग्न हो भुजंग प्रवर कर्कोटक ने परम प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी माता से कहा, माँ तुम धैर्य रखो, मैं काले रंग का बाल बनकर उस श्रेष्ठ अश्व के शरीर में प्रविष्ट होकर अपने आप को ही इसकी काली पूंछ के रूप में दिखाऊंगा। यह सुनकर यशस्विनी कद्रू ने पुत्र को उत्तर दिया, बेटा ऐसा ही होना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल के समय कद्रू और विंता दोनों बहनें बड़े जोश और रोष के साथ दासी होने की बाजी लगाकर उच्चैश्रवा नामक अश्व को निकट से देखने के लिए गईं। इधर नागों ने परस्पर विचार करके यह निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यदि उसका मनोरथ पूरा न होगा तो वह स्नेह भाव छोड़कर रोष पूर्वक हमें जला देगी, यदि इच्छा पूर्ण हो जाने से प्रसन्न हो गई तो वह हमें अपने शाप से मुक्त कर सकती है, इसलिए हम निश्चय ही उस घोड़े की पूंछ को काली कर देंगे। ऐसा विचार करके वे वहां गए और काले रंग के बाल बनकर उसकी पूंछ में लिपट गए। कद्रू विंता के साथ उस उच्चैश्रवा घोड़े के पास पहुंच गई। उस समय चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत वर्ण वाले उस महान वेगशाली श्रेष्ठ अश्व को उन दोनों ने काली पूंछ वाला देखा। पूंछ के घनीभूत बालों को काले रंग का देखकर विंता विषाद की मूर्ति बन गई और कद्रू ने उसे अपनी दासी के काम में लगा दिया। बाजी हारकर विंता ने दासी भाव स्वीकार कर लिया। इसी बीच समय पूरा होने पर महातेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़कर बाहर निकल आए। वे महान साहस और पराक्रम से संपन्न थे, अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे, उनमें इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति थी, वे जहां जितनी जल्दी जाना चाहें जा सकते थे और अपनी रुचि के अनुसार पराक्रम दिखला सकते थे। उनका प्राकट्य आकाशचारी पक्षी के रूप में हुआ था, वे प्रज्वलित अग्नि पुंज के समान उद्धासित होकर अत्यंत भयंकर जान पड़ते थे, उनकी आंखें बिजली के समान चमकने वाली और पिंगलवर्ण की थी, वे प्रलयकाल की अग्नि के समान प्रज्वलित एवं प्रकाशित हो रहे थे, उनका शरीर थोड़ी ही देर में बढ़कर विशाल हो गया। पक्षी गरुड़ आकाश में उड़ चले, वे स्वयं तो भयंकर थे ही, उनकी आवाज भी बड़ी भयानक थी, वे दूसरे बड़वानल की भांति बड़े भीषण जान पड़ते थे, उन्हें देखकर सब देवता भी भयभीत हो गए। गरुड़ जी ने कहा, देवताओं मेरे इस शरीर को देखने से संसार के समस्त प्राणी उस भयानक स्वरूप से उद्विग्न होकर डर न जाएं, इसलिए मैं अपने तेज को समेट लेता हूँ। तदंतर इच्छानुसार गमन करने वाले महान पराक्रमी तथा महाबली गरुड़ समुद्र के दूसरे पार अपनी माता के समीप आए।
जहां उनकी माता विंता बाजी हार जाने से दासी भाव को प्राप्त हो अत्यंत दुख से संतप्त रहती थी। एक दिन अपने पुत्र के समीप बैठी हुई विंता को किसी समय बुलाकर कद्रू ने यह बात कही, कल्याणी विंते, समुद्र के भीतर निर्जन प्रदेश में एक बहुत रमणीय तथा देखने में अत्यंत मनोहर नागों का निवास स्थान है, तू वहां मुझे ले चल। तब गरुड़ की माता विंता सर्पों की माता कद्रू को अपनी पीठ पर ढोने लगी। इधर माता की आज्ञा से गरुड़ भी सर्पों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर ले चले। पक्षीराज गरुड़ आकाश में सूर्य के निकट होकर चलने लगे, इसलिए सर्प सूर्य की किरणों से संतप्त हो मूर्छित हो गए। तब कद्रू ने इंद्र की स्तुति की, इंद्र ने वृष्टि कराया जिससे नागों को बड़ा हर्ष हुआ। गरुड़ पर सवार होकर यात्रा करने वाले वे नाग उस समय जलधारा से नहाकर अत्यंत प्रसन्न हो शीघ्र ही रमणीय द्वीप में जा पहुंचे। विश्वकर्मा जी के बनाए हुए उस द्वीप में जहां अब मगर निवास करते थे, जब पहली बार नाग आए थे तो उन्हें वहां भयंकर लवणासुर का दर्शन हुआ था। गरुड़ ने कुछ सोचकर अपनी माता विंता से पूछा, माँ, क्या कारण है कि मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन करना पड़ता है? विंता बोली, बेटा पक्षराज, मैं दुर्भाग्यवश सौत की दासी हूँ। इन सर्पों ने छल करके मेरी जीती हुई बाजी को पलट दिया था। माता के यह कारण बताने पर आकाशचारी गरुड़ ने उस दुख से दुखी होकर सर्पों से कहा, जीप लप लपाने वाले सर्पों, तुम लोग सच सच बताओ, मैं तुम्हें क्या लाकर दे दूं? किस विद्या का लाभ करा दूं? अथवा यहाँ कौन सा पुरुषार्थ करके दिखा दूं जिससे मुझे तथा मेरी माता को तुम्हारी दासता से छुटकारा मिल जाए? गरुड़ की बात सुनकर सर्पों ने कहा, गरुड़, तुम पराक्रम करके हमारे लिए अमृत ला दो, इससे तुम्हें दास्य भाव से छुटकारा मिल जाएगा। सर्पों की यह बात सुनकर गरुड़ अपनी माता से बोले, माँ, मैं अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ, किंतु मेरे लिए भोजन सामग्री क्या होगी, यह मैं जानना चाहता हूँ। विंता ने कहा, समुद्र के बीच में एक टापू है जिसके एकांत प्रदेश में निषादों अथवा जीव हिंसकों का निवास है। वहां सहस्रों निषाद रहते हैं, उन्हीं को मारकर खा लो और अमृत ले आओ, किंतु तुम्हें किसी प्रकार ब्राह्मण को मारने का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण समस्त प्राणियों के लिए अवध्य है, वह अग्नि के समान दाहक होता है। माता की बात सुनकर महाबली गरुड़ पंख पसार कर आकाश में उड़ गए तथा दूसरे यमराज की भांति उन निषादों का भक्षण करने लगे। तदंतर उन्हें अपने पिता कश्यप जी का दर्शन हुआ। कश्यप जी ने पूछा, बेटा, तुम लोग कुशल से तो हो ना? विशेषता प्रतिदिन भोजन के संबंध में तुम्हें विशेष सुविधा है ना? क्या मनुष्य लोक में तुम्हारे लिए पर्याप्त अन्न मिल जाता है? गरुड़ ने कहा, मेरी माता सदा कुशल से रहती है, मेरे भाई तथा मैं दोनों सकुशल हैं, परंतु पिताजी, पर्याप्त भोजन के विषय में तो सदा मेरे लिए कुशल का अभाव ही है। मुझे सर्पों ने उत्तम अमृत लाने के लिए भेजा है। माता को दासीपन से छुटकारा दिलाने के लिए आज मैं निश्चय ही उस अमृत को लाऊंगा। हजारों निषादों को खा लेने पर भी मुझे तृप्ति नहीं हुई है, अतः भगवान, आप मेरे लिए कोई दूसरा भोजन बताइए। वह भोजन ऐसा हो जिसे खाकर मैं अमृत लाने में समर्थ हो सकूं। मेरी भूख प्यास को मिटा देने के लिए आप पर्याप्त भोजन बताइए। कश्यप जी बोले, बेटा, यह महान पुण्यदायक सरोवर है जो देवलोक में भी विख्यात है। उसमें एक हाथी नीचे को मुंह किए सदा सूंड से पकड़कर एक कछुए को खींचता रहता है। वह कछुआ पूर्वजन्म में उसका बड़ा भाई था। दोनों में पूर्वजन का वैर चला आ रहा है। वे दोनों पूर्वजन में काफी क्रोधी ऋषि थे और संपत्ति के बंटवारे के विवाद में एक दूसरे को हाथी और कछुआ होने का श्राप दे दिया। वे दोनों विशालकाय जंतु पूर्व जन्म के वैर का अनुसरण करके अपनी विशालता और बल के घमंड में चूर हो एक दूसरे से द्वेष रखते हुए इस सरोवर में रहते हैं। उन्हीं दोनों को खाकर अमृत ले आओ। पिता के ऐसा कहने पर गरुड़ सरोवर के निकट गए। उन्होंने देखा
सरोवर का जल अत्यंत निर्मल है और नाना प्रकार के पक्षी इसमें सब ओर चहचहा रहे हैं। गरुड़ ने पिता के वचन का स्मरण करके एक पंजे से हाथी को, दूसरे से कछुए को पकड़ लिया और आकाश में ऊंचे उड़ गए। उड़कर वे विशाल एक वटवृक्ष पर जा बैठे। वटवृक्ष बोला, पक्षी राज, यह जो मेरी 100 योजन तक फैली हुई सबसे बड़ी शाखा है, इसी पर बैठकर तुम इस हाथी और कछुए को खा लो। महाबली गरुड़ के पैरों का स्पर्श होते ही उस वृक्ष की वह महाशाखा टूट गई, किंतु उस टूटी हुई शाखा को उन्होंने पकड़ लिया। इतने ही में उनकी दृष्टि वालखिल्य नाम वाले महर्षियों पर पड़ी, जो नीचे मुंह किए उसी शाखा में लटक रहे थे। तपस्या में तत्पर हुए उन ब्रह्मर्षियों को वट की शाखा में लटकते देख गरुड़ ने सोचा, इसमें ऋषि लटक रहे हैं, यह गिरती हुई शाखा इन ऋषियों का अवश्य वध कर डालेगी, अतः मेरे द्वारा इनका वध न हो जाए। शाखा में लटके हुए गुरुओं को लेकर उड़ते रहने के कारण उनका नाम गरुड़ पड़ा, यानी गुरुओं को लेकर उड़ने वाला। कश्यप जी ने यह पराक्रम देखा तो वालखिल्य ऋषियों से अनुरोध किया और वे ऋषिगण शाखा छोड़कर हिमालय चले गए। तत्पश्चात पक्षीराज गरुड़ ने पर्वत की एक चोटी पर बैठकर उन दोनों हाथी और कछुए को खाया। इस प्रकार कछुए और हाथी को खाकर महान वैशाली गरुड़ पर्वत की उस चोटी से ही ऊपर की ओर उड़े। देवताओं के गुरु बृहस्पति के द्वारा इंद्र को अमृत हरण के लिए गरुड़ के स्वर्ग की ओर आने की बात बताई तो इंद्र चिंतित हो गए और अपने प्रहरियों को सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया और स्वयं भी हाथ में वज्र लेकर वहां डट गए। देवताओं का समुदाय तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो युद्ध के लिए तैयार हो गया। उसी समय पक्षी राज गरुड़ तुरंत ही देवताओं के पास जा पहुँचे। उन अत्यंत बलवान गरुड़ को देखकर संपूर्ण देवता कांप उठे। उनके सभी अस्त्र शस्त्र आपस में ही टकराने लगे। वे पक्षीराज के साथ 2 घड़ी तक अनुपम युद्ध करके उनके पंख, चोंच और नखों से घायल हो उस रणांगण में मृतक तुल्य हो गए। पक्षीराज ने अपने पंखों की प्रचंड वायु से बहुत धूल उड़ाकर समस्त लोकों में अंधकार फैला दिया और उसी धूल से देवताओं को ढक दिया। तब इंद्रदेव ने तुरंत ही वायु को आज्ञा दी, मारुत, तुम इस धूल की वृष्टि को दूर हटा दो, क्योंकि यह काम तुम्हारे ही वश का है। तब बलवान वायुदेव ने बड़े वेग से उस धूल को दूर उड़ा दिया। इससे वहां फैला हुआ अंधकार दूर हो गया। अब देवता अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा पक्षी गरुड़ को पीड़ित करने लगे। पक्षीराज गरुड़ देवताओं के साथ तुमुल युद्ध करते हुए तनिक भी विचलित न हुए। इस प्रकार रोष में भरकर आकाश में खड़े ही खड़े पंखों और छाती के धक्के से उन सब को चारों ओर मार गिराया। तदंतर जैसे जल का वेग समुद्र में प्रवेश करता है, उसी प्रकार पक्षीराज गरुड़ सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान सुवर्णमय स्वरूप धारण करके बलपूर्वक जहाँ अमृत था उस स्थान में घुस गए। उन्होंने देखा अमृत के निकट एक लोहे का चक्र घूम रहा है, उसके चारों ओर छुरे लगे हुए हैं। वह निरंतर चलता रहता है और उसकी धार बड़ी तीखी है। वह घोर चक्र अग्नि और सूर्य के समान जाज्वल्यमान था। देवताओं ने उस अत्यंत भयंकर यंत्र का निर्माण इसलिए किया था कि वह अमृत चुराने के लिए आए हुए चोरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। पक्षी गरुड़ उसमें घुसने का मार्ग देखते हुए खड़े रहे। फिर एक क्षण में ही वे अपने शरीर को संकुचित करके उस चक्र के अरों के बीच से होकर भीतर घुस गए। वहां चक्र के नीचे अमृत की रक्षा के लिए ही 2 श्रेष्ठ सर्प नियुक्त किए गए थे। उनकी कांति प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ती थी, बिजली के समान उनकी लपलपाती हुई जीभें, देदीप्यमान मुख और चमकती हुई आंखें थी। वे दोनों सर्प बड़े पराक्रमी थे। आकाश में विचरने वाले महापराक्रमी विंता कुमार ने वेगपूर्वक आक्रमण करके दोनों सर्पों के शरीर को बीच से काट डाला। फिर वे अमृत की ओर झपटे और चक्र को तोड़ फोड़ कर अमृत के पात्र को उठाकर बड़ी तेजी के साथ वहां से उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत को नहीं पिया, केवल उसे लेकर शीघ्रतापूर्वक वहां से निकल गए और सूर्य की प्रभा का तिरस्कार करते हुए बिना थकावट के चले आए। उस समय आकाश में विंतानंदन गरुड़ की भगवान विष्णु से भेंट हो गई।
भगवान नारायण गरुड़ के लोलुपता रहित पराक्रम से बहुत संतुष्ट हुए थे। अतः भगवान विष्णु ने आकाशचारी गरुड़ से कहा, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। अंतरिक्ष में विचरने वाले गरुड़ ने यह वर मांगा, प्रभो मैं आपके ऊपर ध्वज में स्थित हूँ। इतना कहकर वे भगवान से बोले, भगवन मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं। तब भगवान विष्णु ने विंता नंदन गरुड़ से कहा, ऐसा ही हो। वे दोनों वर ग्रहण करके गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा, देव मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ। तब श्रीहरि ने महाबली गरुड़ से अपना वाहन होने का वर मांगा। अब तक इंद्र की आंखें खुल चुकी थी और वे गरुड़ के पास मित्रता का प्रस्ताव रखते हैं। इंद्र की मित्रता स्वीकार करते हुए गरुड़ उन्हें यह आश्वासन देते हैं कि मैं सर्पों को अमृत ग्रहण नहीं करने दूंगा, और अमृत कलश लेकर नागों के पास पहुंच जाते हैं। अमृत लाने का शर्त पूरा होते ही उनकी माता को दासत्व से मुक्ति मिल जाती है, और अमृत कलश को कुशा के घास पर रख कर सर्पों को सलाह देते हैं कि अमृत ग्रहण से पूर्व सरोवर में स्नान कराओ। इधर नागों को स्नान के लिए जाता देख इंद्र कलश उठाकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दोस्तों, यह थी गरुड़ के पराक्रम और इंद्र को पराजित कर अपनी माता को मुक्त करने की कथा। आपसे अनुरोध है कि प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी को भी दबाना ना भूलें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका आनंद ले सके। धन्यवाद।